हे hey, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान टू में। आज हम बताएंगे हाउ टू बिकम ए LIC एजेंट। आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाते हैं, अगर इसमें आप हार्ड वर्किंग करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप करोड़ों में पैसा अर्निंग कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो साल में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये पैसा अर्न करते हैं, क्योंकि वो उनकी हार्ड वर्किंग के बदौलत वो अपना अर्निंग करते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, बहुत केयरफुली सुनिएगा। इसमें जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एज की, वो मिनिमम 18 साल है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 60 साल के भी होते हैं तो आप LIC की एजेंसी ले सकते हैं। अगर आप 80 साल के भी हैं तो LIC की एजेंसी ले सकते हैं। जो मिनिमम एज की क्राइटेरिया है वो 18 साल है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, प्लस 2, 10th एंड ग्रेजुएशन। अगर आपके पास प्लस 2 का सर्टिफिकेट्स है तो आप LIC की एजेंसी ले सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको किसी भी LIC ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। वहाँ चीफ मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर या CLI से कांटेक्ट करके आप इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। वो आपको बहुत ही ब्रीफली समझाएंगे, बट मैं कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे पहले 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है, और एजुकेशन प्रूफ जो भी आपके पास प्लस 2 का मार्कशीट हो, बैचलर डिग्री हो, और एज प्रूफ में आप 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, एज स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बता दूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो लगता है इसमें 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। शुरू में आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है 300 रुपीज़ है, और IRDA जो उसका फीस है वो अराउंड 425 रुपये है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ एक्सपेंस होगा LIC की एजेंसी लेने में, कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपका कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी LIC डॉक्यूमेंट, जो भी LIC के जितने भी स्टेशनरी होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप जो भी जिसके DO के अंडर आप लाइसेंस लेते हैं तो आपको वो खुद अच्छी तरह से ट्रेनिंग देगा। अगर CLI के अंडर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वो भी आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देगा। तो जैसे मैं बता दूँ, इसका 50 घंटे का इसका ट्रेनिंग होता है। इनका एक LIC का एक स्पेशल एक इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पर 8 से 10 दिनों के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इनके जो भी ब्रीफली स्मॉल जो भी क्राइटेरिया होते हैं, जो रूल रेगुलेशंस है, सबको अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो मिनिमम 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 35% मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं, यानी 17 नंबर चाहिए होता है आपको ये एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जैसे आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे, उसके बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। उसके बाद आप LIC इंश्योरेंस का काम शुरू कर सकते हैं। ये मैं बता दूं, ये सबसे पहले किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है LIC की एजेंसी लेना। जो भी बिजनेसमैन है वो ले सकते हैं, डॉक्टर ले सकते हैं, कोई बैंक वर्कर ले सकता है, चार्टर अकाउंटेंट ले सकते हैं, कोई अकाउंटेंट हो वो ले सकते हैं। मतलब कि समझ लीजिए, अगर आपके पास आपके अंडर काफ़ी लोग हैं, अगर आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो आप एजेंसी लेकर लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बहुत अच्छा अर्निंग है, क्योंकि इस प्रोफेशन में जो जुड़ा है उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो मुझे भी 4 साल 5 साल काम कर चुका हूँ LIC में, और मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूस। बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, उनके नीड्स को समझना, फाइनेंशियल उनको एडवाइस करना। एक एडवाइज़र का काम करते हैं, बहुत ही सॉलिड काम करते हैं, जिससे आप कुछ फीलिंग आता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपने कंट्री के लिए। एक सोशल वर्क होता है ये। तो दोस्तों, सोशल वर्क के साथ आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।